हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस पे डेली बेसिस पे करा रही हूँ। आप डेली बेसिस मेरे साथ जुड़ जाइए एंड वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज है। थ्योरी सेशन मैंने कंप्लीट करा दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया हुआ है। बीपीएससी टीआई 2 में 80 क्वेश्चंस, 80 वीडियोज है जो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, वो सारे वीडियोज आप जरूर देखें। और डेली बेसिस में जो आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, मेरे साथ बने रहें। चाहे किसी भी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिशन का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए सभी वीडियोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, बॉल को कैच लेते समय खिलाड़ी हाथों में बॉल के स्पर्श होते ही वह हाथों को बॉल की दिशा में नीचे की तरफ खींचता है। यहाँ पर मुख्य रूप से न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? तो दोस्तों, यहाँ पे न्यूटन का द्वितीय नियम यानी संवेग का नियम लग रहा है, क्योंकि गति जो होता है एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की, किसी वस्तु के एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की दर का उस वस्तु पर लगाए गए बल के प्रतिफल का अनुपात ही त्वरण कहलाता है। जब असंतुलित बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसमें संवेग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? तो आप सबको पता है संवेग का नियम कहते हैं। प्रथम नियम को जड़ता का नियम, जड़त्व का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का नियम कहते हैं। द्वितीय नियम को संवेग का नियम, त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम। और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या एक्शन रिएक्शन या काउंटर फोर्स ऑफ लॉ या रेसिप्रोकल एक्शन कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, एमकेएस प्रणाली का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड। नेक्स्ट है, हाथों को फ्रंटल प्लेन में शरीर से दूर ले जाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसको एबडक्शन बोलते हैं, और शरीर के पास ले आने को एडक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, फॉर्टलेट विधि का प्रयोग किस को विकसित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, फॉर्टलेट विधि जो है सहनशीलता डेवलप करने का विधि है। फॉर्टलेट मेथड की खोज 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था। इंडोरेंस डेवलप करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फॉर्टलेक शब्द स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी स्पीड प्ले, और इसमें बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास को मंद व तीव्र गति से बिना पूर्व नियोजित यानी ढंग से यानी कि नॉट प्रॉपर प्लानिंग से किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सहनशीलता को विकसित करने वाली उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें अभ्यास को उच्च तीव्रता तथा पूर्ण क्षतिपूर्ति के अंतराल पर किया जाता है? दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, पूर्ण क्षतिपूर्ति दिया जाता है, पूर्ण रिकवरी दिया जाता है रिपीटेशन मेथड में। किसमें? रिपीटेशन मेथड में। एंड अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में, याद रखिएगा दोनों में। एंड एंड्योरेंस डेवलप करने की यानी कि सहनशीलता को विकसित करने की चार विधियां हैं, कॉन्टिन्यूस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड। कॉन्टिन्यूस मेथड भी चार प्रकार का है, स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड, फास्ट कॉन्टिन्यूस मेथड, फॉर्टलेक मेथड एंड वेरिएबल पेस मेथड। नेक्स्ट दोस्तों, बैलिस्टिक विधि का प्रयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, बैलिस्टिक स्टैटिक डायनामिक एंड पीएनएफ मेथड, ये सारे मेथड लचीलापन यानी कि लचकता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, हृदय दर्द यानी कि हार्ट रेट मेजर करने का यंत्र क्या है? दोस्तों, तो उसे स्टेथोस्कोप बोला जाता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मनोरंजन का भाग नहीं है? तो दोस्तों खेलकूद प्रतियोगिता उत्साह वर्धक ये सभी मनोरंजन के भाग हैं, लेकिन संघर्ष जो है मनोरंजन के भाग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शारीरिक क्षमता वाली मनोरंजन क्रिया है? दोस्तों तो शतरंज, कैरम, लूडो, इसमें शारीरिक क्षमता नहीं लगता, मानसिक क्षमता लगता है ज्यादा, और शारीरिक क्षमता टेबल टेनिस मनोरंजन क्रिया है। नेक्स्ट है, खाली समय का सदुपयोग करने हेतु जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे मनोरंजन क्रियाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं, तो दोस्तों सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनियां, ये सभी मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं। जैसे कि मनोरंजन की शासकीय अभिकरण जैसे NCC, NSS आदि हैं, एंड स्वयंसेवी संस्थाओं में YMCA, YWCA, एंड निजी में नृत्य क्लब, ऑर्केस्ट्रा, वाद विवाद, एंड व्यापारिक में TV प्रदर्शनी, प्रदर्शनियां एंड सिनेमा आदि हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन हैं? तो शिक्षण संस्था एक प्रकार का संस्था है, तो वहां पे होने वाला जो मनोरंजन कहलाएगा संस्थागत मनोरंजन कहलाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालयों में मनोरंजन के क्या साधन हैं? तो दोस्तों विद्यालयों में खेल कूद भी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है मेन मेन उत्सवों पर, एंड साहित्यिक कार्यक्रम भी होता है, तो उपरोक्त सभी साधन हैं विद्यालयों में मनोरंजन के। नेक्स्ट दोस्तों, फिजियोथेरेपी नाम शब्द में थेरेपी से क्या तात्पर्य है? फिजियोथेरेपी में फिजियो से तात्पर्य है शारीरिक, एंड थेरेपी से तात्पर्य है चिकित्सा, यानी शारीरिक चिकित्सा, तो यहाँ पे थेरेपी से तात्पर्य हो जाएगा चिकित्सा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ते या खेलते समय अचानक से पेट की निचली मांसपेशियों में तीखा दर्द उठता है तो उसे क्या कहते हैं? तो निचली मांसपेशी या डायफ्राम पेशी में तीखा दर्द होता है तो उसे स्टीच बोला जाता है। स्प्रेन क्या होता है? लिगामेंट के अत्यधिक खींच जाने को स्प्रेन यानी कि मोच कहा जाता है, और स्ट्रेन जो होता है मांसपेशी या टेंडन के अत्यधिक खींच जाने को स्ट्रेन या खिंचाव कहा जाता है। रगड़ जो है एक साधारण सी घाव है, चोट है, जिसे एब्रेजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, डोप परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? तो डोपिंग परीक्षण के लिए मूत्र और रक्त का नमूना लिया जाता है। नेक्स्ट है, डिसलोकेशन नामक चोट शरीर के किस अंग को चोट है? तो दोस्तों ज्यादातर चोट जो है डिसलोकेशन का जो चोट होता है वो जोड़े पर ज्यादा होता है, क्योंकि जो चोट होती है वह तीन प्रकार की चोटें होती हैं, एक मुलायम ऊतक की चोट यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एक हड्डी की चोट यानी बोन इंजरी, और दूसरा जोड़ों की चोट यानी कि ज्वाइंट इंजरी। तो मुलायम ऊतक की चोटें जिसमें हमारा लिगामेंट, पेशी, टेंडन आदि की जो चोटें होती हैं जैसे कि स्प्रेन, स्ट्रेन, कॉन्ड्यूजन, ब्रसाइटिस, हेमाटोमा, साइनोवाइटिस, एंड कठोर ऊतक की चोटें जैसे हड्डी की चोटें एंड जोड़ों की चोटें। और डिसलोकेशन मतलब अपने स्थान से हट जाना। नेक्स्ट है, फुटबॉल खेल में सबसे अधिक चोट शरीर के किस अंग में लगती है? तो दोस्तों फुटबॉल में तो घुटने या टखने दोनों में चोट लगती है, बट सबसे अधिक लगती है टखने यानी कि एंकल में। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी को लगभग खेल से कितने समय पहले अपना भोजन कर लेना चाहिए? तो दोस्तों 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए, जिससे खाना पूरा एनर्जी दे सके। नेक्स्ट है, पसली की हड्डी टूटकर फेफड़ों में घुस जाए तो यह कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? तो दोस्तों फेफड़ों की हड्डी टूटकर मुलायम अंगों, फेफड़ों एंड हृदय आदि में घुस जाए तो उसे जटिल अस्थि
फ्रैक्चर यानी जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोला जाता है। जैसे कि हड्डियों को विभिन्न चोटें होती हैं, जैसे कि साधारण फ्रैक्चर जिसे सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं, जो हड्डी टूटता है बट घाव नहीं, चमड़ी कटती फटती नहीं है। दूसरा होता है मिश्रित फ्रैक्चर यानी कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर, जिसमें हड्डी टूट भी जाती है और चमड़ी से बाहर भी निकल जाती है। तीसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर यानी जटिल फ्रैक्चर, जिसमें हड्डियाँ टूट कर मुलायम अंगों फेफड़ों हृदय गुर्दे में घुस जाती हैं। एंड चौथा होता है विखंडित फ्रैक्चर जिसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं, यानी कि एक ही हड्डी कई टुकड़े में टूट जाती है और इसमें संक्रमण होने का खतरा होता है और इसे विखंडित या कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। एंड पांचवा है संघात फ्रैक्चर जिसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर या पेंट्रेशन फ्रैक्चर भी कहते हैं, इसमें हड्डियाँ टूट कर दूसरी हड्डी पर एक दूसरी हड्डी पर रगड़ खाती है, यानी एक हड्डी का टूटा हुआ सिरा दूसरी हड्डी पर रगड़ खाता है, उसे संघात या इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। और एक होता है ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर जो बच्चों या शिशु में छोटे बच्चों में होता है, जिसमें पूर्ण विकसित नहीं होता हड्डी, जिससे टूटती नहीं है, मुड़ जाती है अक्सर। और एक होता है डिफ्रेस्ड फ्रैक्चर जो खोपड़ी के कपाल या क्रेनियल भाग की हड्डी टूटकर अंदर धंस जाती है, उसे डिफ्रेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। एक फ्रैक्चर होता है दोस्तों रोगात्मक अस्थिभंग यानी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जिस जो रोगग्रस्त व्यक्ति या के हड्डी या छोटे से आघात लगने के कारण टूट जाता है। एक होता है दोस्तों ऑब्लिक्यू बोन फ्रैक्चर यानी तिरछा अस्थिभंग। ऑब्लिक्यू बोन अस्थिभंग यानी तिरछा अस्थिभंग में तिरछे या विकर्ण रूप से टूट जाती है हड्डी, अधिकतर ह्यूमरस या फीमर अर्थात शरीर की लंबी अस्थियों में तिरछा अस्थिभंग यानी ऑब्लिक्यू बोन फ्रैक्चर होता है। एक होता है दोस्तों आड़ा तिरछा अस्थिभंग यानी कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है कि यह रीढ़ की हड्डियों में से एक अस्थि के भाग का टूटना होता है, इसकी आकृति पंख की तरह हो जाती है, ज्यादा रीढ़ के ऊपरी व अन्य भागों में तथा पीठ के नीचे के भाग में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी एर्गोजेनिक एयर्स ऊर्जा प्रदान करने वाले साधन के प्रति कहाँ से आकर्षित होता है, तो जो विज्ञापन के साधन है रेडियो विज्ञापनों द्वारा टेलीविजन द्वारा इन सभी के द्वारा आकर्षित होता है। नेक्स्ट दोस्तों उपचारकीय रूपात्मकता यानी पुनः स्थापन यानी कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में खिलाड़ी के लिए क्या किसमें सहायक है, तो पुनः स्थापना यानी कि रिहेबिलिटेशन मतलब पुनः चोट के बाद पुनः पहले वाली स्थिति में आना ही पुनः स्थापन या रिहेबिलिटेशन कहलाता है। इससे चोटिल अंगों की कार्य क्षमता को पुनः सक्षम बनाने में खिलाड़ी को सहायक होती है, चोटिल अंगों की पीड़ा को कम करने में, जैसे कि जो आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है पुनर्वास जिसे कहते हैं, इसकी तीन विधियां होती हैं, व्यायाम विधियां यानी करेक्टिव एक्सरसाइज, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियां यानी उसको उत्साह देना, एंड चिकित्सा विधियां। चिकित्सा विधियां में कई विधि होती है जैसे मोम चिकित्सा, जल चिकित्सा एंड बर्फ चिकित्सा एंड विद्युत चिकित्सा आदि। तो यहाँ पे हो जाएगा एक और दो दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट दोस्तों कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, तो कोल्ड स्प्रे जब तुरंत चोट लगने के बाद हम लगाते हैं उसमें इथाइल क्लोराइड एंड मीथेन गैस भरा होता है, तो ख ग यहाँ पे दोनों राइट होगा, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है निम्न में से भार वर्ग वाला खेल कौन सा है दोस्तों, तो बॉक्सिंग कुश्ती ये सभी भार वर्ग वाले खेल है, तो यहाँ पे बॉक्सिंग राइट होगा। नेक्स्ट है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो आप सबको पता है प्रथम नियम को जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरे नियम को त्वरण का नियम या संवेग का नियम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या मोमेंटम या बल के प्रतिफल का नियम कहते हैं, और तीसरे नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है निम्न में से जोड़ों की गति कौन सी होती है, तो दोस्तों हमारे शरीर में
तीन प्रकार की जो है गति पाई जाती है, चल, अचल और अधचल संधि, तीन प्रकार की संधियां पाई जाती है। तो जोड़ों की गति में फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। जोड़ों की गति में फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट आपका राइट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको याद रखना है कि मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था डी ए एस, ठीक है, यानी कि चल, अर्धचल और अचल। तो डी मतलब डायट्रोसिस जो चल संधि को बोला जाता है, ए मतलब होगा एम्फियाट्रोसिस जो अर्धचल संधि को बोला जाता है, एस मतलब होगा साइनोथ्रोसिस जिसे अचल संधि को बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में अक्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो अक्ष यानी कि प्लेन, अक्ष यानी कि एक्सिस और तल यानी कि प्लेन, ये तीनों तीन तीन होते हैं। जैसे कि तल यानी कि प्लेन जो होता है वह जो है सतह के अक्ष यानी एक्सिस के लंबवत पाया जाता है जिससे शरीर में गति होती है, और जो एक्सिस होता है अक्ष होता है वह एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके चारों ओर गति होती है। जो प्लेन यानी कि तल होता है तीन होता है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल प्लेन जिसे लिटरल या मीडियल प्लेन भी कहा जाता है जो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। और दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन जो जिसको क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं, जो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है और गति दाएं बाएं होती है जैसे एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट है। और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और सभी रोटेशन एंड इलेवेशन मूवमेंट्स होते हैं। और जिस बिंदु पर तीनों प्लेन यानी तल मिलते हैं उसे सीजी पॉइंट यानी सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट या कार्डिनल पॉइंट कहा जाता है। और जो एक्सिस होता है वो भी तीन होता है, कई एक्सिस जैसे कि यूनि एक्सियल गति होती है जिसे एक अक्ष में गति, या जैसे कि एंकल ज्वाइंट टखने का जोड़ हो गया, बाई एक्सियल मूवमेंट जैसे दो एक्स अक्ष में गति जैसे कलाई का जोड़ हो गया, मल्टी एक्सियल गति यानी कि तीन से दो से अधिक एक्स अक्ष में गति जैसे कि शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट हो गया। तो अक्ष भी अक्ष यानी कि एक्सिस भी तीन प्रकार का होता है, फ्रंटल एक्सिस जिसे ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं जो सेजिटल प्लेन के लंबवत होता है, दूसरा सेजिटल एक्सिस जो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी कहते हैं जो फ्रंटल प्लेन के लंबवत होता है, तीसरा होता है वर्टिकल एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत होता है। नेक्स्ट दोस्तों दूरी बट्टा समय से क्या ज्ञात किया जाता है। दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, ठीक है, कि कितना स्पीड से वह दौड़ रहा है या चल रहा है या बाइक चल रही है या बस चल रही है, इसे चाल बराबर दूरी बट्टा समय यानी कि चाल कितनी रफ्तार से कितने किलोमीटर पर आवर या कितने किलो प्रति सेकेंड ऐसे चल रही है इसको ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है। दोस्तों जिस बिंदु पर संपूर्ण भार केंद्रित होता है उसको गुरुत्व केंद्र या सीजी पॉइंट या सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट कहा जाता है। जिसका सीजी पॉइंट जितना ही नीचा होगा उसका संतुलन जो है उतना ही अच्छा होता है। जैसे कि जो महिलाओं का सीजी पॉइंट पुरुषों से थोड़ा नीचे होता है क्योंकि उसका हिप एरिया जो होता है ज़्यादा चौड़ा होता है, और इसलिए जो है महिलाओं का सीजी पॉइंट नीचे होता है पुरुषों से, जिसे संतुलन वाली क्रियाएं महिलाएं ज्यादा अच्छा कर लेती हैं। नेक्स्ट है उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें शरीर की गति मांसपेशीय विश्लेषण आदि के साथ भौतिक यांत्रिक विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों शरीर की गति के साथ साथ मांसपेशी विश्लेषण प्लस जो उपकरण है उनके कैसे किस कोण पर फेंका जाए, ये सभी चीजें का अध्ययन जो है जो यांत्रिकी विज्ञान यानी कि बायोमैकेनिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों उस योग्यता को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने के तुरंत पश्चात प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया करती है। दोस्तों उसे प्रतिक्रिया योग्यता रिएक्शन एबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि बंदूक का आवाज सुनते ही जो धावक होता है
तुरंत संकेत पाकर दौड़ना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है अभ्यास करने के पश्चात निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। अभ्यास करते समय नहीं बोला है दोस्तों, करने के पश्चात की बात कर रहा है। तो अगर डेली बेसिस पे अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने के पश्चात हृदय बड़ा और मजबूत हो जाता है, जिसे एथलीट हार्ट भी कहा जाता है। और हृदय दर बढ़ता नहीं है, करते समय बढ़ता है, करने के पश्चात जो है वो कम होता है। तो यहाँ पे राइट केवल ए हो जाएगा, यानी कि क हो जाएगा कि हृदय बड़ा और मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 200 फीट ऊपर स्थित स्थान पर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर क्यों प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जितना ही जमीन से ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल में, उतना ही जो है आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, और ऑक्सीजन कम होता जाएगा इसलिए खिलाड़ी के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल की कमी हो जाती है। तो इन दोनों के कारण ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है 5 किलोमीटर साइकिल चलाने से क्या विकसित होता है। दोस्तों 5 किलोमीटर यानी कि जो 45 सेकेंड से 2 मिनट तक क्रियाएं हैं अन एरोबिक में हो जाएंगी स्ट्रेंथ में, और बट आपका उससे ज़्यादा की जो भी क्रिया हो जाएंगी वो एरोबिक क्रियाएं हो जाएंगी, यानी कि सहनशीलता डेवलप होगा। 5 किलोमीटर साइकिल चलाने से क्या डेवलप होगा, सहनशीलता डेवलप होगा। नेक्स्ट है रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अंडर रूट 5 का मान क्या होगा, तो इसका मान 2.23 होगा, इसको निकाल के आप देख लीजिएगा। ऐसा सवाल पूछा नहीं जाता है, बट जो आपका जीके वाला है पोर्शन उसमें सभी चीजें हैं। नेक्स्ट है भाले को किस कोण पर फेंका जाए जिससे वह अधिक दूरी तय करे। दोस्तों जो प्रोजेक्ट जो प्रक्षेपण होता है उसके सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को यदि 45 अंश पर फेंकेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करेगी, यदि 90 अंश के कोण पर फेंकेंगे तो कोई दूरी तय नहीं करेगी। तो भाले को किस कोण पर फेंका जाए, तो 45 अंश के कोण पर फेंका जाए जिससे अधिक दूरी तय करे। नेक्स्ट है एक व्यक्ति की 1 मिनट में श्वास दर यानी कि ब्रेथ रेट कितना होता है। तो ब्रीदिंग जो रेट होती है वह 12 से 20 बार प्रति मिनट होता है, और जब कोई एक्सरसाइज या एक्टिविटी करता है तो 40 से 50 प्रति मिनट हो जाता है, लेकिन जब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके अभ्यस्त हो जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है, उस कंडीशन में प्रति मिनट 8 से 10 बार हमारा श्वास दर हो जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र में पंचर क्या है। तो दोस्तों पंचर एक घाव को कहा जाता है, जैसे घाव 4 प्रकार के होते हैं, जिसको पीला नामक ट्रिक है दोस्तों, पीला PILA यानी कि पी से पंचर, यानी कि किसी निकले वस्तु से एकाएक नुकीले वस्तु से मुलायम ऊतकों में छेद हो जाना यानी और खून निकलने की संभावना बनी रहती है। PI से हो जाएगा इंसीजर यानी कट लग जाना, एंड L से हो जाए है लेसरेशन यानी कि रगड़ लग कर रक्त आ जाना, एंड A से होता है एब्रेजन यानी कि लाल पड़ जाना। एब्रेजन मतलब लाल पड़ जाना, मैदान में गिर जाए और रगड़ लगने पर, इसको टफ बर्न, मेट बर्न, फ्लोर या सिंडर बर्न आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों गुंबद क्या है। तो दोस्तों गुंबद एक प्रकार का चोट है जिसे गुम चोट भी कहा जाता है, का एक किसी भारी चीजों से चमड़ी के नीचे पेशी में रक्त का जम जाना या नीला पड़ जाना गुंबद कहलाता है, यानी किसी बाहरी उपकरण के जोरदार प्रहार से या पेशी के किसी से टकरा जाने पर इसमें रक्त वाहिनियाँ पेशी टेंडन तंत्रिकाएं सम्मिलित होती हैं, यानी प्रहार के कारण रक्त वाहिनियों के कुचल जाने से रक्त पेशियों में आ जाता है और नीला पड़ जाता है, उसे ही गुंबद कहा जाता है या इसको गुम चोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों डायथर्मी क्या है।
तो दोस्तों डायथर्मी एक विद्युत चिकित्सा विधि है। नेक्स्ट है कार्टिलेज क्या है। दोस्तों कार्टिलेज क्या है, तो दोस्तों कार्टिलेज जो है यानी कि जो उपास्थि होती है उसे कार्टिलेज बोला जाता है, जो तीन प्रकार का होता है, इलास्टिक फाइबर एंड हायलिन। तो ये जो है अस्थियों को दो भागों में बांटा गया है, एक जैसे कि कंकाल तंत्र को एक अस्थि, दूसरा उपास्थि। अस्थि कठोर होता है जबकि उपास्थि जो है मुलायम होता है। जैसे हमारे कान के जो कान जो होता है वो ज्यादातर कार्टिलेज का बना है, तो ये मुलायम ऊतक है एक प्रकार का। कार्टिलेज क्या है दोस्तों, एक प्रकार का मुलायम ऊतक है। नेक्स्ट है सर्कमडक्शन क्या है, जिसमें इलेवेशन और रोटेशन सभी प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं सर्कमडक्शन कहलाता है। तो जोड़ों की गति है, क्या है, जोड़ों की गति है। नेक्स्ट है वार्म अप कब करना चाहिए। दोस्तों आप सबको पता है खेल से पहले किया जाता है, यानी एक तैयार किया जाता है, यह थंडाई के तैयारी के नियम जो है लॉ ऑफ रेडिनेस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और जो कूलिंग डाउन होता है खेल के बाद या एक्टिविटी के बाद किया जाता है। नेक्स्ट है मंद और तीव्र विधि संबंधित है। दोस्तों मंद और तीव्र विधि जो है यह सहनशीलता से संबंधित है। जैसे कि जो सहनशीलता के डेवलप करने की चार विधियां हैं अभी जस्ट मैं बताई, कंटीन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड। कंटीन्यूअस मेथड में चार प्रकार हैं, स्लो कंटीन्यूअस मेथड, फास्ट कंटीन्यूअस मेथड, फॉर्टलेक मेथड एंड वेरिएबल पेस मेथड। वेरिएबल पेस मेथड में मंद और तीव्र विधि से संबंधित होता है। फॉर्टलेक विधि मंद और तीव्र विधि से बिना पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है, जबकि वेरिएबल पेस मेथड जो होता है मंद और तीव्र गति से पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है। ठीक है, सभी सहनशीलता यानी एंड्योरेंस को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है दौड़ में दौड़ किस दिशा में होती है। दोस्तों हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में यानी बाई ओर ही झुकाव करके दौड़ा जाता है, याद रखिएगा घड़ी की विपरीत दिशा में। नेक्स्ट दोस्तों हवा का वेग किससे मापा जाता है, तो दोस्तों हवा का वेग जो है विंड गेज से मापा जाता है, और हवा की दिशा विंड वांड गेज से मापा जाता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए में से कौन सी प्रबंधन पद्धति नहीं है, तो क्लासिकीय सिद्धांत, प्रबंधन का क्लासिकीय सिद्धांत, नौ क्लासिकीय सिद्धांत एंड आधुनिक सिद्धांत है प्रबंधन के सिद्धांत में, बट व्यवस्थित विश्लेषणात्मक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है, तो विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन है, प्रत्यायोजन यानी डिलीगेशन है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है, बट अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग नहीं है। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।